फिलिस्तीनी उग्रवादी संगठन हमास ने एक ऐसा वीडियो जारी किया है जिससे इजरायल सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल हमास ने एक व्यक्ति का वीडियो जारी किया है जिसे उसने इजरायली अमेरिकी शख्स हैर्श गोल्डबर्ग पॉलिन बताया है। गोल्डबर्ग पॉलिन उन लोगों में शामिल हैं जिनको हमास ने इजरायल पर हमले के दौरान बंधक बनाया था। वीडियो में दिख रहे व्यक्ति ने इजरायल सरकार पर आरोप लगाया है कि वो बंधकों को रिहा कराने के लिए कुछ नहीं कर रही है और एक तरह से सरकार ने बंधकों से मुंह मोड़ लिया है। इस व्यक्ति ने ये दावा भी किया है कि इजरायल की बमबारी में करीब 70 बंधक मारे गए हैं। हालांकि अगर वीडियो में वास्तव में गोल्डबर्ग पॉलिन ही है तो भी ये आशंका बनी हुई है कि उनसे हमास ने जबरन अपनी बातें कहलवाई हों। ये वीडियो सामने आने के बाद इजरायल में बंधकों की रिहाई के लिए प्रदर्शन तेज हो गए हैं। इस बीच प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प होने की खबरें भी सामने आई हैं। बताया जाता है कि हमास ने जब इजरायल पर हमला किया था उस वक्त गोल्डबर्ग पॉलिन ट्राइब ऑफ नोबा संगीत समारोह में जश्न मना रहे थे। जो वीडियो जारी हुआ है उसमें व्यक्ति के बाएं हाथ का हिस्सा गायब दिख रहा है। पॉलिन बंधक बनाए गए लोगों में काफी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। पूरे इसराइल में उनके पोस्टर लगे हैं। उनकी मां रचेल गोल्डबर्ग ने वैश्विक नेताओं से मुलाकात की है और अपने बेटे को छुड़ाने की अपील की है। पॉलिन के माता पिता ने कहा है कि उन्हें उसे जीवित देखकर राहत मिली है, लेकिन वे उसके स्वास्थ्य के साथ साथ अन्य बंधकों के बारे में भी चिंतित हैं। बंधकों के परिवारों ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार पर उनके परिजनों की रिहाई के लिए पर्याप्त कदम न उठाने का आरोप लगाया है। ऐसे में इजरायल हमास युद्ध के बीच नेतन्याहू सरकार की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं।